संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री को धमकी दिए जाने और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी युवक ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें धमकी दी थी। युवक ने अपने बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। आरोपी युवक अजय मोहन कुशवाहा के खिलाफ FIR प्रयागराज के कौंदियारा थाने में दर्ज की गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सुरक्षा प्रमुख विपिन कुमार गुप्ता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी अजय मोहन कुशवाहा के खिलाफ IPC की धारा 153(1), 295 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री को 2 फरवरी को प्रयागराज आना था। दावा किया जा रहा है कि इससे एक दिन पहले प्रयागराज से सटे हुए मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास कौंदियारा इलाके के रहने वाले अजय मोहन कुशवाहा ने उनके आगमन को लेकर एक धमकी भरा बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। इसमें आरोपी अजय ने धीरेंद्र शास्त्री को प्रयागराज पहुंचने पर पीटने की धमकी दी और कहा कि वह विज्ञान के दौर में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। आरोपी अजय ने अपने बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर विश्व हिंदू परिषद के नेता धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगी, अगर इस क्षेत्र में आएगा तो यहां से भी लात मार के भगाने का काम करूंगा, क्योंकि इस देश में विज्ञान सर्वोपरि है कि ऐसे मानव भक्षक को, ऐसे आडंबरवाद को आपने लात मार के भगाने का काम किया। मैं आपको साधुवाद वंदन, नमो बुद्धाय, सत्यमेव जयते करता हूँ। नितिन जी, आपने एक मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री जी को लात जूतों से मारने की बात कही गई है, ये क्या है पूरा मामला और आप इसमें FIR क्यों कराया है और आपकी मांग क्या है? ये एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे जानकारी में आया 2 दिन पहले। उसमें एक कौंधियारा के रहने वाले व्यक्ति हैं अजय मोहन कुशवाहा, उन्होंने धीरेंद्र के शास्त्री को लाज जूतों से मारने की बात कही, हमारे आराध्य बजरंगबली महाराज पे अभद्र टिप्पणी की, शंकर जी पे टिप्पणी की और हिंदू देवी देवताओं को मानने वालों को गोबर खाने वाला कहा। मेरी जानकारी में आया तो मैंने तत्काल कौंधियारा थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप हिंदू धर्म को मानो, आप बौद्ध धर्म को मानते हो मानो, हम भी बौद्ध को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, हम सबको मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के विचार को लेके हम लोग काम करते हैं, लेकिन किसी भी पूज्य महंत संत के ऊपर टिप्पणी करना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करना, ये गलत है और इससे हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है। मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाए, अन्यथा कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में घट सकती है। इन पे जो मुकदमा हुआ है उनमें गिरफ्तारी की कोई धारा नहीं लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? गिरफ्तारी धार्मिक उन्माद तो उन्होंने भड़काया है, ये प्रशासन के स्वविवेक का मामला है कि उनको गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जाए, अन्यथा समाज में आक्रोश है, कल को कोई भी दुर्घटना हो जाएगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की ही होगी। विपिन कुमार गुप्ता, प्रांत सुरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, काशी प्रांत। गंभीर टिप्पणी जो किया है उस विषय में मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन मैं अपने तरफ से यह कहना चाहता हूँ कि जो संविधान के तहत बात कही जाती है वो ज़्यादा उत्तम है, और बाद में जो संविधान को संशोधन करके तोड़ मरोड़ किया गया है संविधान में, मैं उस बात को नहीं मानूंगा। और जो बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी उसको भी हम मानने से इनकार करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय लक्ष्मी नारायण कुशवाहा। देखिए, ये थाना कौंधियारा पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी और जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अजय मोहन कुशवाहा है उसके द्वारा साधु संतों पे अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसमें उस तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
और इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होंगे उसके बेसिस पे हम विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।